जनता पार्टी ने बाल के उपाध्यक्ष सरोज यादव जी, महामंत्री जितेंद्र सोना जी, हमारे सिंह जी और भी यहाँ हमारे ढेर सारे नेता लोग बैठे हुए हैं, जो भी हमारे केंद्र के नेता बैठे हैं सभी को सम्मान संबोधन। हमारे जिला के अध्यक्ष मंडल के सभी मित्रगण, राष्ट्रीय जनता पार्टी के सभी आदरणीय नेता कार्यकर्ता साथी और कलैया इस चौक पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय माई बहन और भाई बहन, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, बड़ा उल्टा पलटा हो रहा। कहा जा रहा है कि हम लोग निर्वाचन नहीं चाहते, राष्ट्रीय जनता पार्टी मधेसी जनता निर्वाचन विरोधी है, हम चुनाव विरोधी हैं, हम चुनाव नहीं चाहते। ये कहने वाले को मैं कहना चाहूँगा कि मधेस मधेसी जनता को लोकतंत्र की शिक्षा, लोकतंत्र का पाठ किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। मधेसी जनता लोकतंत्र पर कभी भरोसा किया है और लोकतंत्र का आधार स्तंभ यदि इस देश में है तो सबसे पहले मधेसी जनता है, मधेसी जनता ने ही लोकतंत्र को इस देश में मजबूत किया। इसलिए हमें लोकतंत्र की शिक्षा कोई ना दे तो अच्छा हो। हम लोकतंत्र, हमें मालूम है कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाला आधार स्तंभ निर्वाचन होता है। निर्वाचन के माध्यम से ही लोकतंत्र की मजबूती होती है, जनता की भावना अभिव्यक्त किया जाता है। निर्वाचन के माध्यम से ही लोकतंत्र की मजबूती होती है, ये बात सब तो ठीक है, ये बात सब तो हम लोग समझते ही हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हम लोग को नहीं है, इसमें मधेश कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है कि निर्वाचन लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है। लेकिन आज के दिन में यह निर्वाचन क्या है, यह जो निर्वाचन की बात हो रही है, जिस निर्वाचन का हम लोग विरोध कर रहे हैं, यह क्या है, हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस निर्वाचन का? इस निर्वाचन का विरोध करने का पहला कारण तो यह है कि जिस संविधान के लिए आज से पहले यहां 6 महीना तक लगातार आपने आंदोलन किया था, सारे मधेश की जनता 6 महीना तक उस पुल पर, वहां कौन पुल है, मितेरी पुल, मितेरी पुल पर 6 महीना भूखे प्यासे हमारे मधेसी भाई वहां बैठा रहा। किस बात के लिए बैठा था भाई, किस बात के लिए लंबा आंदोलन हुआ था, किस बात के लिए यहाँ हमारे ये शहीद हिफाजत मियाँ की शहादत किस बात के लिए हुआ था, सैकड़ों हमारे भाई किस बात के लिए मारे गए थे, किस बात के लिए शहादत हुआ था, किस बात के लिए हजारों लोगों ने गोली खाया था, किस बात के लिए 6 महीना तक बंद हड़ताल चक्का जाम और कठोर से कठोर कार्यक्रम नाकाबंदी तक करने के लिए हम बाध्य हुए, किस बात पर? जब संविधान गलत बनने लगा, जब संविधान में हमारा अधिकार छीना जाने लगा, जिस संविधान में हमारा मिला हुआ अधिकार भी छीन लिया, जिस संविधान में विगत में किया हुआ समझौता 64 साल फाल्गुन 16 का थे, जब मधेसी जनता अधिकार के लिए लड़ रही थी, इस देश में बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रही थी संविधान सभा के निर्वाचन से पहले, तो तत्कालीन उस समय की सरकार गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नेपाली कांग्रेस के सभापति हुआ करते थे। मैं याद सिर्फ दिलाता हूँ आप लोग,
उस समय जब मदेशी जनता लड़ रही थी, मर रही थी, दर्जनों शहादत प्राप्त किया था, तब जाकर के यहाँ की सरकार, यहाँ की सत्ता, यहाँ की मुख्य पार्टियां, कांग्रेस से वाले माओवादी, तीनों पार्टी एक स्वर में कहा कि अब मदेशी को अधिकार मिले। अब इस देश में मदेशी के साथ जो हुआ हुआ, अब इस देश में मदेशी के साथ किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं हो। संविधान सभा का निर्वाचन होने दो, संविधान सभा का निर्वाचन होने दीजिए, और इन निर्वाचन के बाद संविधान सभा से जो संविधान बनेगा, उस संविधान में इस देश में सारे मदेशी को, सारे मदेशी दलित जनजाति मुस्लिम थारू सभी को बराबर का अधिकार मिले। ये मुंह से नहीं कहा, 64 साल फार्मूल 16 का थे, 8 सूत्रीय समझौता किया मदेशी के साथ, जय मदेश, जय मदेश, और कहा कि अब मदेशी जनता ने बराबर को अधिकार पहुंच लिख करके मदेशी जनता ने मदेश पहुंचा, मदेश प्रदेश पहुंचा, मदेशी जनता ने थरवट प्रदेश पहुंचा, मदेशी जनता ने यो देश में समानुपातिक समावेशी शासन पहुंचा। ये देश के सारे शासन प्रशासन में मदेशी दलित जनजाति मुस्लिम थारू सारे हिमाल पहाड़ तराई मदेश में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके साथ अत्याचार हुआ, न्याय हुआ, विभेद हुआ, जिनको बराबर की अधिकार नहीं मिली, अब सबको बराबर का अधिकार मिले। जो अगला संविधान बनने वाला, जो संविधान सभा से संविधान बनेगा, उस संविधान में सभी को बराबर का अधिकार मिले। जय मदेश, और लिख करके समझौता। लेकिन हुआ क्या, 64 साल फाल्गुन 16 का थे, गिरिजा प्रसाद कोइराला हस्ताक्षर जब कर रहे थे, तो बगल में माधव नेपाल ये माले के नेता बैठे हुए थे, प्रचंड जी बैठे हुए थे, तीनों बड़ी पार्टियां के सहमति से मदेशी के साथ समझौता हुआ, संविधान में सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब संविधान बना और साथ, तो क्या हुआ, वो रद्दी, वो जो समझौता हमारे साथ किया गया था 8 सूत्रीय, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। वो समझौता के आधार पर संविधान नहीं बना। इतना ही नहीं किया, जितना अधिकार मिला था विगत में नेपाल के अंतिम संविधान में, जितना अधिकार आपको मिला था वो अधिकार ने छीन लिया। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। अरे ठप अधिकार जब संविधान बनता है तो नहीं मिला हुआ अधिकार उसको मिलता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि मिला हुआ अधिकार भी जनता का छीन लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन नेपाल में हुआ, तब तो आप सड़क पर आए, तब तो हम सड़क पर आए थे कि नहीं, ये संविधान में हमारा सकारा हुआ अधिकार लिखा जाना चाहिए, समझौता किया हुआ बात लिखा जाना चाहिए, हमारी अधिकार जो छीन ली गई, मिला हुआ अधिकार भी जो छीन लिया गया, उसको साबित किया जाना चाहिए। तब से आज तक हम लड़ रहे हैं, तब से आज तक इस देश में अधिकार प्राप्ति की लड़ाई हो रही है। वो संविधान संशोधन की बात तब से हो रही है कि संविधान में संशोधन करो, संशोधन करके हमें अधिकार दो, मदेशी को अधिकार दो, बराबर का अधिकार दो। ये देश सबका है, ये देश हिमाल पहाड़ तराई मदेश में रहने वाले सभी नेपाली नागरिक का ये देश है, और सभी नागरिक को बराबर का अधिकार दो। हमारे बाल बच्चे को भी इस संविधान में अधिकार दो, इस देश में बराबर का अधिकार दो, इस देश के शासन प्रशासन में हमारे बाल बच्चे को भी अधिकार दो, उसको स्थान दो। हमारा जितना हक बनता है उतना हमें दो, हमें तुम्हारा हक नहीं चाहिए। लेकिन हमारा जितना हक बनता है, जितना हमारा जनसंख्या है, हमारा जनसंख्या इस देश में जितना है, उतना हमारे बाल बच्चे को इस देश के शासन प्रशासन सारे में सुरक्षित करो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कर्मचारी तंत्र हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, देश के सारे अंग, सारे निकाय में हमारे मदेशी बाल बच्चे को, हमारे बच्चे को हमारा जितना संख्या है उतना स्थान दो। यही तो समझौता हुआ था, यही बात तो छीन ली गई, यही बात तो संविधान में, नहीं रखा गया। इस प्रकार से न हमें मदेश मिला, न मदेश प्रदेश मिला, मदेश प्रदेश की धरती बाहरी प्रदेश में मिला लिया गया, न हमें समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली में हमारे बाल बच्चों के लिए सुरक्षित किया गया। हमारा जो मिला हुआ था उस समय तो
जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र मिला हुआ भी छीन लिया गया था, बाद में संशोधन करके थोड़ा बहुत मिलाया। इस प्रकार से जो भी हमारा अधिकार कुंठित किया गया था उसके विरोध में आज तक हम लड़ते आए। आज वही संविधान, जो संविधान त्रुटिपूर्ण संविधान बना, जो संविधान विभेदकारी संविधान बनाया, ये तीनों बड़ी पार्टियां मिलकर के, कांग्रेस एमाले माओवादी तीनों पार्टी मिलकर के गलत संविधान बनाए जिसमें हमारा अधिकार नहीं लिखा। आज उसी संविधान को लागू करवाने के लिए चुनाव हो रहा है, उसी संविधान को कार्यान्वयन करवाने के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि इस संविधान के आधार पर तीन ठो चुनाव होगा तो संविधान सदर हो जाएगा, ये संविधान लागू हो जाएगा, ये संविधान सभी नेपाली नागरिक मान लेंगे और इस संविधान कारण हो जाएगा। गांव का चुनाव मतलब स्थानीय तह का निर्वाचन, विधानसभा का निर्वाचन और संसद का निर्वाचन, ये तीनों निर्वाचन करा करके संविधान कारण कराने की बात हो रही। इसलिए मैं कह रहा था कि ये निर्वाचन सामान्य निर्वाचन नहीं है, ये निर्वाचन अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारने वाला निर्वाचन है। इस निर्वाचन में ठप्पा लगाने का मतलब जो संविधान बना उस पर हम ठप्पा लगा रहे, तो संविधान गलत बना तो हम ठप्पा कैसे करें? अरे चुनाव में तो हम भाग लेना ही चाहते हैं, निर्वाचन में तो हम चाहते हैं जाए, 20 वर्ष के बाद हो रहा निर्वाचन हम तो चाहते हैं हम उसमें भाग ले। निर्वाचन में भाग लेकर के जनता का जनप्रतिनिधि स्थानीय निकाय में हम निर्वाचित होकर के आवे, हम जनता के प्रिय पात्र बने, जनता का सेवा करे, ये तो हम चाहते हैं। लेकिन तुम तो वो चुनाव करवा रहे हो जो चुनाव करवा करके संविधान पर ठप्पा लगवा रहे हो, हमसे मुखिया और मेयर का लोभ दे करके हमारे पैर पर तू कुल्हाड़ी मारना चाहता है, ये कैसे? इसलिए हम कहते हैं चुनाव तो कराना। अरे चुनाव से कौन भागता है साहब, चुनाव तू करा ले, लेकिन चुनाव कराने से पहले हमारा अधिकार तो दे दो संविधान में, लिख तो हमारी बात, संशोधन तो कर दो, आज कर ना, आज संशोधन कर और कल चुनाव में चल। अरे कौन डरता है तुमसे भाई, अब तो मधेश की जनता का जो आदेश था, मधेश वाली पार्टी एक हो जाओ। हम आंदोलन में जब थे गांव-गांव में हम जाते थे, मेची महाकाली जब जाते थे, सारे मधेश की जनता की एक ही आवाज थी, एक ही बात था मधेश की जनता का, ये मधेसिया भाई, ये मधेसिया भाई की पार्टी, मधेसी पार्टी के नेता आप अलग अलग पार्टी मत रखो, आप मोर्चा बना करके अलग अलग पार्टी मत रखो, आप एक मोर्चा में काम कर सकते हो तो एक पार्टी क्यों नहीं बना लेते, आप क्यों अलग अलग हो, आप इकट्ठा होकर आओ, मधेश की जनता इकट्ठा होने के लिए तैयार है और हम इकट्ठा होंगे, आप इकट्ठा होकर के आ जा, एक पार्टी बना ले, मधेश की जनता की चाहत थी, मधेश की जनता का आदेश था। इसको मधेसी मोर्चा के सारे 6 पार्टियां मधेश की जनता की भावना का सम्मान किया, एक भाग गया, उसमें से एक भाग गया, मधेसी जनता की एकता में साथे नहीं, अब साथ में छो तो मिल गया, आ एक छो कहां लगा, किसने दूसरे के साथ मिल गया, अब मधेसी के साथ मिलने नहीं किया, आप लोग जानते ही है ना, वो जाकर कहां मिल गया, तो मधेसिया के साथ दोस्ती नहीं किया, मधेसी 6 पार्टी राजपा बनाए, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल, लेकिन 6-7 में से एक चला गया, कहां मिलने, किस साथ मिल गया, बाबूराम भट्टराय, वो कहां विजन करने चला गया, वो बाबूराम भट्टराय जिसने जो संविधान बनाकर आपका गला काटा गया था उसका हस्ताक्षरकारी वो बाबूराम भट्टराय भी था, और उसके साथ जो आपके साथ अत्याचार किया, जो आपका गर्दन काटा संविधान में, उसके साथ दोस्ती कर, मधेसिया के साथ दोस्ती नहीं किया, तो होता है ऐसे मधेस जब एकता में क्या कहते हैं छेद करने वाला नहीं, जिस थाली में खाओ उसी में, मधेसिया के नाम पर आरती करो,
मदेसिया के नाम पर महान नेता बन जाओ, मदेसिया को तिरपंडो शहीद बनाकर तिरपंडो सीट देकर सबसे बड़का पार्टी बन जाओ। मदेसिया जनता कहता तू एक हो जाओ, ताकत बनाओ, अधिकार लेना है, एक होगा तो अधिकार मिलेगा, ताकत बनाओ सारा मदेसिया पार्टी मिल करके, तो उसमें छेद करने के लिए उतारू हो जाता है। तो जनता देख रही इस बात, जनता लेता कहता हृदय न बदलते रोक दियो, अदालत ने रोक दियो कसे दी ने, अरे तुम्हारा अदालत है, न्यायालय में 380 को न्यायाधीश में कैठो मदेसिया है साहब, कैठो मदेसिया, कैठो सात आठ मदेसिया 380 में, अब बताइए वो न्यायालय क्या है, न्यायालय जानते नहीं हम, और यदि कोई नियम कानून का आधार पर वो स्टे कर दिया वो मुद्दा का कहते कहता नहीं हुदय ना, तो कौन कारण से कहो कानून का संशोधन करो ना, कानून नियम कानून संविधान कौन बनाए, तू लोग बनाया ना, अरे गलत कानून बनाया तो गलत कानून का सुधार करके वो गांव पालिका नगर पालिका दोनों को 100% अदालत का बहाना क्यों करता है, अदालत का बहाना वाला हम लोग नहीं मानने वाले, हम लोग कुछ बहाना नहीं मानने वाले, वो नियम कानून जो आयोग निर्णय अदालत अदालत जो भी जहां सुधार करना है सुधार करो, हमारा जनसंख्या के आधार पर मदेसिया को दे दो जनसंख्या क्या कहते हैं गांव पालिका नगर पालिका, अब कल चुनाव करवा लो, मदेसिया पीछे हटने वाला नहीं है, कलाली जेल में सैकड़ों साथी के ऊपर अभी मुद्दा लगा हुआ, सैकड़ों साथी देश से बाहर मुद्दा चला दिया आंदोलनकारी के ऊपर, वो टीकापुर में कहता पुलिस मरे होते इसलिए मुद्दा चलाई दी, अरे पुलिस मरे तो मुद्दा चलाई दी, थारू लाई अत्याचार करो उन्हें आंदोलन करो, अब पुलिस मरना तो ना उन्हें मरी आ, अरे पुलिस मर गया तू चार्ज होता उस पर तूने पूरा क्या क्या कौन कौन मुद्दा चला दिया है, आंदोलन में तूने सैकड़ों मदेसिया के ऊपर गोली ठोका, सीने में गोली ठोका, माथे में गोली ठेका, किस पुलिस के ऊपर तूने मुद्दा चलाया, तो तू हमको मार दिया तो बड़ा निमोहन, अब तुम्हारा दूठो आंदोलनकारी के कारण मर गया तो सैकड़ों को जेल में डाल दो, क्या मतलब होता है, ये सब नहीं चलेगा, इसलिए जेल उल में रह करके मुद्दा क्या कहते हैं चुनाव उनाव नहीं होने वाला, हमारा आंदोलन का क्या कहते हैं आंदोलनकारी के ऊपर लगा हुआ मुद्दा वापस कर लो, जेल से हमारे साथी को बंदी रिहाई करो और चलो ना निर्वाचन में, चलेंगे ना करेंगे ना चुनाव, करो हमारे साथी को मुद्दा फिर दो, देता नहीं ठुलो ठुलो मदेसिया पार्टी चुनाव मान सब क्यों, अब तो विजय का जोदार के नाम क्या नाम उसका रखा है विजय, विजय का गछदार, आपको नाम बताओ, अब ये ठुलो ठुलो पार्टी चुनाव आई सब क्यों, अब मदेश में चुनाव को माहौल बनी सको समय मदेश का चुनाव को लागी तैयार आइयो, कहीं मांग साथ छह ना कहीं पूरा करनू पड़ ना, अब ये राज्यपाल भने हुन्छ तो जाई सको तो उपेंद्र यादव भंजो चुनाव चुनाव गोली चलाए रहा बम चलाए रहा पनी चुनाव कराऊं ऊपर चा, उपेंद्र यादव कहता है गोली और बम चलाए रहा पनी चुनाव कराऊं ऊपर चा, वंश का ले रहा वंश का ले रहा, जनता कहता है मिर्जाफर जयचंद नेपाल में पैदा हुआ, मध्यप्रदेश में भी मिर्जाफर जयचंद पैदा हुआ, अंग्रेज बना रहा था ना, सल्लाह कार्यक्रममा स्वागत छ हजुरहरूलाई, आन्दोलनमा रद्द हुनुहुन्छ अहिले होइन, मागहरू गरिरहनुभएको छ, यो माग सरकारले पुरा गर्ला त भोलि एक दिन मात्र, हजुरले अल्टिमेट दिनुभएको समय त भोलि लास्ट दिन छ, पर्सि नोमिनेसन रोकिरहनु भएको छ, यो स्थितिमा के होला सर, यो आन्दोलन हाम्रो लागि बाध्यता हो, यो बाध्यात्मक अवस्थामा मधेसी जनताले आन्दोलन गरिरहेको छ, यो निर्वाचनको नाउँमा त्रुटिपूर्ण संविधानलाई कारण गराउने जुन काम भइरहेको छ त्यसमा हाम्रो विरोध छ, एकातर्फ हजुरहरू यो संविधानको विरोध गरिरहनु छ भने एकातर्फ उनीहरूले संविधान ठिक छ भनेछ, हजुरले मधेसको अधिकारको लागि लडिरहनु भएको छ, अब मधेस अधिकार प्राप्त गर्नलाई हजुरहरू के गर्नुहुन्छ, के छ भने यो संविधान बन्दाखेरि नै त्रुटिपूर्ण संविधान बनाइयो, र यो त्रुटिपूर्ण संविधान हो भनेर देश र दुनियाँ सारा दुनियाँले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ, यो सबैको लागि संविधान भएन, यो संविधान त्रुटिपूर्ण भयो, यसमा संशोधन गर्नुपर्छ, यो आन्दोलनकारीले मात्रै होइन कि सारा दुनियाँको यसमा समर्थन प्राप्त भइसकेको छ विगतको आन्दोलनमा, आज निर्वाचनको नाउँमा यो संविधान कारण गर्ने प्रयास गरिएको हो, कसरी हामी यसलाई समर्थन गर्छौँ,
त्यसैले हामी निर्वाचन त चाहन्छौँ तर निर्वाचन भन्दा पहिले उठाइएका सवालहरू आन्दोलनद्वारा उठाइएका सवालहरू सम्बोधन गरिनुपर्दछ। संविधान संशोधन जुन परिमार्जन सहित संसदमा दर्ज भएको छ त्यसलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी तिनटै मिलेर यो संशोधन गर्नुपर्छ। तिनटै मिलेर बिगारेको हो, तिनटै मिलेर त्यसले बनाउनुपर्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त हामी त्यो भन्दै आएको हो, यो काम तिनटै पार्टीले गर्नुपर्छ भने हाम्रो माग। अर्को चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि गरेन, निर्वाचनको वातावरण बनाउनलाई सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू पनि, जस्तै यो गाउँपालिका नगरपालिकाको जुन सङ्ख्याको सवाल थियो यो निर्माण भयो त्रुटिपूर्ण भयो, जनसङ्ख्याको आधारमा भएन। मधेसको जनसङ्ख्या 52% भन्दा बढी छ, त त्यति मात्रामा गाउँपालिका नगरपालिका मधेसले पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ प्राप्त भएको छैन। त्यसैले विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न नियम कानुन संवैधानिक र अदालतको निर्णय देखाएर अधिकार खोज्न पाइँदैन। कहाँ कहाँ के संशोधन सुधार गर्नुपर्छ त्यो गरेर तपाईँको मधेसको जनसङ्ख्याको अनुपातमा गाउँपालिका नगरपालिका दिइनुपर्दछ। दिएन भने कसरी निर्वाचनको वातावरण बनाउने, कसरी निर्वाचनमा भाग लिने? त्यहाँ प्रतिनिधित्वको सवाल छ, विकासको सवाल छ, सबैबाट यो नयाँ ढङ्गले विभेद सुरु गरिएको, पहिलेका विभेद त छँदै थियो, यो गाउँपालिका नगरपालिका जुन बनाइयो यो नयाँ विभेद हो, यो विभेदलाई हामी मान्दैनौँ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईँको आन्दोलनको ताका त्यत्रो मुद्दाहरू लगाइयो, साथीहरूलाई आन्दोलनकारीले जेलमा राखिएको छ, मुद्दा लगाइएको छ मेचीदेखि महाकालीसम्म, अहिले पनि कैलालीमा लक्ष्मण थारू लगायत दर्जनौँ साथी जेलमा छन्, रेशम चौधरी लगायत सैकडौँ साथी देशभन्दा बाहिर निर्वासन जीवन बिताइरहेको छ, जिल्ला जिल्लामा मुद्दा लगाइएको छ, त्यो मुद्दाहरू फिर्ता गरिएन, जेलबाट आन्दोलनकारीलाई रिहाई गरिएन भने कसरी निर्वाचनको वातावरण बन्छ? त्यो नगरिकन हुँदैन। त्यस्तै हामीले शहीद घोषणा कुरा गरेका छौँ, जो शहीद घोषणा गर्न बाँकी जस्तो कहीँ गर्नु पऱ्यो, त्यस्तै तपाईँको आन्दोलनमा अपाङ गरिएकालाई राज्यको तर्फबाट जुन दिनुपर्ने सहयोग सहुलियत पनि दिएको छैन, लगायतका जुन सरकारले गर्नुपर्ने काम हो त्यो पनि भएन। त्यसैले यी कुराहरू नगरिकन निर्वाचनको वातावरण बन्न सक्दैन। अब भोलि पर्सि अब नोमिनेसन हो, भोलिसम्म सरकारसँग समय छ, अब यी कुराहरू गरेर मात्रै मधेसमा निर्वाचन गराउनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो। यो मेचीदेखि महाकालीसम्म यो सवालहरू उठेको छ, मधेस थरुवट जनजाति दलितहरू सब लडेको छ, अब यो निर्वाचनलाई यो माग पुरा गराउनलाई अब भोलिसम्म त माग पुरा नहुने अवस्था देखियो, अहिले वार्ता चलिरहेको छ काठमाडौँ, अब एउटा मात्रै उपाय छ सरकारसँग, या त गोली चलाएर मान्छेलाई मारेर चुनाव गराउने, मुलुकमा द्वन्द निम्त्याउने, अप्रिय मतलब मुलुकलाई अकल्पनीय द्वन्द्वमा धकेल्ने, मधेसमा जुन आगो बलिरहेको छ त्यसमा घिउ थप्ने र देशलाई बर्बाद गर्ने, एउटा त यो काम हो, यो सरकारसँग विकल्प यो गर्न सक्छ, त्यो कसैको हितमा चाहिँ हुँदैन। अर्को चाहिँ यो निर्वाचन जुन 20 वर्ष भएन, त्यो निर्वाचन महिना 2 महिना भए पनि केही फरक पर्दैन, माघ 7-74 तिनटै निर्वाचन गर्नुपर्ने हो, त्यसैले अरू निर्वाचन बाँकी नै छ। यो निर्वाचन जुन मधेसको सवाल हो मेचीदेखि महाकालीसम्म, यो क्षेत्रमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म यो क्षेत्रमा यो चाहिँ अहिले 14 गतेको निर्वाचन हुन सक्दैन, गराउनु हुँदैन। यो निर्वाचन तब गराउने हो जब यहाँको समस्या हल हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ, त्यसपछि 1-2 महिनापछि निर्वाचन गराए पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले सरकारसँग त्यो एउटा विकल्प हो, त्यो देश र जनताको हितमा त्यो विकल्प, यो विकल्प लाई छोडेर अर्को विकल्प आएको भने त्यो बर्बादीतर्फ मुलुक जान्छ। त्यसैले सरकारलाई पनि हामी पटक पटक आग्रह गरेर मुलुकलाई द्वन्द्वमा नधकेल्नु, मुलुकलाई के भन्छ यो अहिले संवैधानिक घेराभित्र भइरहेको लडाइँ हो, यो आन्दोलन हो, संविधानमा संशोधन परिमार्जनको लडाइँ हो, संविधानभित्रको आन्दोलन हो। यो संविधानभित्रको आन्दोलनलाई तपाईँ यदि असफल पार्ने प्रयास गर्नुभयो र यो संविधानभित्रका आन्दोलन असफल हुने भयो भने संविधान बाहिरको आन्दोलनले प्रश्रय पाउँछ, बल पाउँछ, त्यो मुलुकको हितमा हुनै सक्दैन, त्यो मुलुकलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यसैले सरकारलाई सोच्ने समय यही हो, देउपा पहिले पनि गल्ती गरिसके, आजभन्दा 22 वर्ष पहिले यही काम गरेका थियो, यही अहङ्कारमा चाहिँ काम गरेकोले त्यत्रो माओवादी जनयुद्ध पैदा भएको थियो, 200,000 नागरिक निहत्था नागरिक जान गुमाउनु पर्यो र पुरा देश नै ध्वस्त भएको थियो। त्यसैले मधेसलाई यो राष्ट्रिय जनता पार्टी भनेको केही होइन, अब मधेसका के अरे चुनावमा वातावरण बनिसक्यो, यो सम्झेर
पेलेर जबरजस्ती चुनाव गराउन खोज्यो भने अनर्थ हुन्छ, यो यो मुलुकको हित हुन सक्दैन। मधेसमा झन् जुन आगो लाग्यो त्यसमा चाहिँ झन् त्यसमा घिउ थपेर मुलुकलाई बर्बाद गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने सरकारलाई हामी आग्रह गर्दैछौँ र मुलुकलाई जोगाउनु पर्छ। जस्तो हजुरहरू यता भारत आन्दोलन गरिरहनु भएको छ भने यो आन्दोलन पहिला पनि भएको थियो, फेरि पटक पटक भइरहेछ, यसले के देश गृहयुद्धमा जाने सङ्केत देखिँदैन? अब के छ भने जनताको धैर्यको बाँध जब टुट्छ त्यो अवस्था पनि आउन सक्छ, त्यसैले समयमै सरकार र यो प्रमुख पार्टीहरू सतर्क हुनुपर्छ। जनताको धैर्यको बाँध टुट्न दिनुहुन्न। जब जनताको धैर्यको बाँध टुट्छ अनि तपाईँले भने जस्तै मुलुक विभिन्न प्रकारका द्वन्द्व गृहयुद्ध विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वमा चाहिँ मुलुक फस्छ, त्यहाँतर्फ मुलुकलाई जान दिनु हुँदैन। हजुरको समयको लागि धन्यवाद।